नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ किसान मजदूर पदयात्रा, 23 मार्च को जुड़ेंगे किसान आंदोलन से। दिल्ली सरकार बेरोजगारी सर्वे, अक्टूबर नवंबर में रही 28.5% बेरोजगारी दर, महिलाओं में रही 54.7%। आईटी नियमों पर प्रसार भारती के पूर्व अधिकारी जौहर सरकार से बातचीत। कोविड 19 के तेजी से बढ़ते मामले, पिछले 24 घंटों में आए 35,000 से ज्यादा केस। सीआईटीयू, किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के आह्वान पर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ किसान मजदूर शहीद यादगार किसान मजदूर पदयात्रा निकाल रहे हैं। यह पदयात्रा 3 जत्थों में शुरू होगी और 23 मार्च को टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और पलवल के प्रदर्शन स्थल पर किसान आंदोलन में शामिल होगी। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक की यह रिपोर्ट। देखिए, ये जो अभी 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिन जो है, उसके तैयारी के लिए ये जो आज हांसी से हमारा जो मार्च निकला है, पदयात्रा निकली है, ये आज यहाँ से लेकर 5 दिन चलेगी और टिकरी बॉर्डर जाएगी। कल भगत सिंह के जन्म स्थान से, खटकर खला से और एक पदयात्रा निकलेगी और वो 4 दिन चल के वो सिंघू बॉर्डर पे जाएगी। हम यहाँ जन जागृति करना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर ये जो किसान आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत पूरे इलाके में करेंगे। 23 मार्च को पूरे देश भर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिन के ऊपर पूरे देश में नौजवान और हमारे छात्र साथी लाखों की तादाद में इस किसान आंदोलन के समर्थन में आज रास्ते पर आ जाएंगे और उसके मुताबिक जो 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने जो दिया है, तो उसको बहुत बड़े तगड़े पैमाने से कामयाब करने के लिए ये पूरा इसका मदद जरूर होगा। ये मार्च किसान मजदूर एकता की मार्च है, शहीद यादगार पद यात्रा जो हांसी की लाल सड़क से शुरू होके किसान आंदोलन के उसको मजबूती प्रदान करने के लिए 23 तारीख को टीकरी बॉर्डर तक जाएगी। ये पैदल, इसके अंदर किसान भी हैं, खेत मजदूर भी हैं और दूसरे मजदूर भी हैं और इस दौरान ये गांव-गांव पे मीटिंगें करते हुए इस लंबे रास्ते को कवर करके टीकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। ये आंदोलन जनता की कामयाबी है, चाहे सरकार इसको इग्नोर करे लेकिन कर नहीं पाएगी, क्योंकि जब जनता उठती है तो क्रांति होती है। तो यहाँ अब हरियाणा देखो, पंजाब देखो, सारा हिंदुस्तान देखो, सारे में जागृति आ गई है सारे में, और जब जनता जो मांग करेगी सरकार कैसे नहीं मांगेगी। दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में रोजगार दर पता करने के लिए किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि बेरोजगारी की दर पिछले साल अक्टूबर नवंबर के बीच बढ़कर 28.5% हो गई है, जो जनवरी फरवरी में कोविड 19 लॉकडाउन से पहले 11.1% थी। इस सर्वे में 44,000 से ज़्यादा लोगों का सैंपल लिया गया, जिसमें करीब 32,000 लोगों की उम्र 15 साल से ज़्यादा थी। इस सैंपल को टाइम्स ऑफ इंडिया ने जारी किया है। सर्वे के अनुसार जिनके पास रोजगार है उनमें से 7% लोग 5,000 से कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। जिनका वेतन 10 से 15,000 के बीच था उनमें अक्टूबर के महीने में 20% की गिरावट हुई है। सर्वे में राजधानी के महिलाओं की रोजगार स्थिति के बारे में चौंकाने वाले निष्कर्ष भी सामने आए हैं। जबकि मार्च में कोविड 19 से पहले उनकी बेरोजगारी दर 25.6% थी, यह पिछले साल अक्टूबर नवंबर में तेजी से बढ़कर 54.7% हो गई है। वहीं पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर 8.7% थी, बढ़कर 23.2% हो गई है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए आईटी नियमों के तहत ओटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को भी सरकार के पकड़ के अंदर लाने की कोशिश हुई है। इन आईटी रूल्स को अभिव्यक्ति की आजादी के हनन के तौर पर देखा जा रहा है। कई जानकारों का कहना है कि यह प्रेस की आजादी पर भी हमला है। इसी सिलसिले में न्यूज क्लिक की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार परुंजय गुहा ठाकुरता ने बात की प्रसार भारती के पूर्व एग्जीक्यूटिव जौहर सरकार से। आइए सुनते हैं क्या है कहना। द प्रेजेंट रिजीम इज अपसेट विद मेनी
digital or online news publishers, because they've been raising questions, they've been raising uncomfortable questions, they've been putting out stories which the main so-called mainstream media has not been doing. Now we also have the government justifying what it's done. He said, "You don't, you know, a publisher of news and current affairs is not defined under the Information Technology Act. It excludes an e-paper. So the vagueness of the definition is such that, well, you need to control these guys, or at least that's the official justification for it. But what does it really mean in terms of freedom of expression, Article 19(1)(a) of the Constitution of this country? I mean, it's not just the publisher's right to publish. What about the citizen's right to know? So this is really the bigger question that I would like you to sort of comment on and give us your concluding remarks on these new rules that have been put in. The digital media or digital online media, as we call them, have been the only oasis in this otherwise very bleak format, bleak scenario, where the mainstream media has either been bullied, cajoled, blackmailed, overpowered, covered with advertisements, and they've gone through a very hellish period of obedience. Now, there are a couple of them, like Hindu and Telegraph, that are still standing out, but God knows how long they'll be able to. Now, having said that, it is the online media that have been reflecting news, analysis, and others that the mainstream media, or as Ravish calls it, the Godi media, refrained from doing. This online media was one of the prime targets under this act. But first of all, it is completely doubtful whether you have any control over online media. That's the point on which the constitutionality of the whole thing, on which Wire and this other group from Kerala, they have gone to court. See, you don't. I started by saying you don't have constitutional power. You don't have legitimate sources of authority. That apart, you see, under Rule 15, the authorized officer, whom I have called the hatchet man, I've seen so many of my officers being picked up for services and then switching sides also after that. Rule 15, he can, with approval of secretary, direct the publisher or anybody to delete, modify, block the relevant content and information generated, transmitted, received, stored. I mean, it's wide sweeping powers. He can just tell you, you can't bring out this item about Farmers Revolt. You can't. That's all. All you need to do is to make out a case that this leads to a security problem, which in turn generates a UAPA problem, and therefore leads to sedition, and therefore leads to anti-national activities. And the merciful part is if you don't jail all of them, which has been happening. So these are draconian measures. These are dragon's teeth. And these have to be, controlled right in the first stages of constitutionality. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी 18 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,871 नए मामले सामने आए हैं और 172 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें 64% से ज़्यादा यानी 23,179 नए मामले अकेले महाराष्ट्र से आए हैं। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 17,741 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 17,958 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,14,74,605 हो गई है, जिनमें से संक्रमण के कारण अब तक 1,59,216 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 96.41% यानी 1,10,63,025 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2.19% यानी 2,52,364 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार अब तक कोरोना वैक्सीन की 3,71,43,255 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 20,78,719 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना की पहचान के लिए अब तक 23,03,13,163 सैंपलों की जाँच की गई है, जिनमें से 10,63,379 सैंपलों की जाँच पिछले 24 घंटों में हुई है।
आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.